हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक्सप्लोरिंग वर्ल्ड। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो ये इंदौर के लालबाग में स्थित है माँ वैष्णो देवी टेम्पल, जो कि बहुत ही भव्य तरीके से बनाया गया है। तो मेरी फुल वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आपको ज़रा सा भी ये टेम्पल अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखना। एंड आप देख सकते हो, हमें सबसे पहले गणपति मिलते हैं हम केव के अंदर जैसे ही पहुँचते हैं। और यहाँ से हमें काफ़ी लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, लेकिन आप रास्ते में जय माता दी बोलते हुए कब माँ पिंडी रानी के दर्शन कर लेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। बहुत ही अच्छा लगा हमें इस मंदिर में आकर। तो आप कभी भी इंदौर आते हैं तो इस टेम्पल में ज़रूर से आइएगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और जो कटरा नहीं जा पाते हैं उनको माता वैष्णो देवी के दर्शन यहीं पर हो जाएंगे। यहाँ आपको माता वैष्णो देवी के पिंडी स्वरूप के भी दर्शन होंगे, साथ ही साथ भोलेनाथ, माँ पार्वती, गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान के भी दर्शन हो जाएंगे, महाकाल के भी दर्शन होंगे। तो मेरी फुल वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्रेम से बोलो जय माता दी। फाइनली हम कुफा का रास्ता तय करते हुए भगवान के पास पहुंच ही गए, माता रानी के पास पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर मूर्ति है, ये किसी का भी मन मोह ले। यहाँ आने के बाद आपको घंटों जाने का मन नहीं करेगा। इसके बाद हम आपको गर्भगृह की ओर चल रहे हैं, जहाँ हम आपको माँ पिंडी के दर्शन कराएंगे। तो आप हमारे वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा और पूरी मंदिर को जरूर देखिएगा। जय माता दी, जय माता दी। अब हम अर्धकुमारी गर्भगृह में प्रवेश करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हम कैसे जा रहे हैं गर्भगृह के अंदर। जय माता दी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम पिंडी रानी के दर्शन करने जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम कटरा में ही आ गए हैं। जय माता दी। आई होप कि आप लोग भी अच्छे से दर्शन कर लिए होंगे। ये काल भैरव है, जिनके दर्शन के बिना माँ वैष्णो देवी के दर्शन अधूरे हैं। और अब हम आगे जा रहे हैं। जय माता। आगे हमें साईनाथ के दर्शन होते हैं। कितनी सुंदर मूर्ति है। बाहर की ओर जा रहे हैं, हमारा दर्शन संपूर्ण हो गया है। आई होप कि आप सबको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।